आज तहसीलदार कोमल ध्रुव और अनुभागीय अधिकारी सुनील नायक ने स्कूल से 100 मीटर की दूरी तक बिकने वाले जितने भी दुकानों में जर्दा गुटखा बिकता है वहां अचानक छापेमार की कार्रवाई की। दुकान में बिक रहे जर्दा गुटखा को जब्त कर चालानी कार्रवाई की। SDM सुनील नायक ने बताया कि स्कूल के बच्चे लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। कुछ हद तक इसका जिम्मेदार स्कूल के पास में दुकानों में खुलेआम बिक रही जर्दा गुटखा और सिगरेट भी है। SDM साहब ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद सभी दुकान संचालक को हिदायत दी गई है आगे इस प्रकार से जर्दा न बेचे। साथ ही उन्होंने कहा है आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और स्कूल के पास के सभी दुकानों में लगातार छापेमारी कार्रवाई की जाएगी। अगली बार यहां पर अर्जुनी खुजी, बीजा भाटा, कोकपुर, आसराम मोहड़ और साथ ही में अन्य गांव में भी इस प्रकार की छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। उसका बिक्री ना हो इस संबंध में हम लोगों ने ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी योगेश डोसा और ये बगल के जो होटल है ये दोनों जगह हमने बड़ी संख्या में गुटखे के पाउच जब्त किए हैं। योगेश डोसा पे हमने 1000 रुपये जब जुर्माना लगाया है और उनके समझाई की है कि भविष्य में इस तरह की गलती ना करें अन्यथा इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभी जिस होटल में कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ भी हम लोगों ने 500 रुपये का जुर्माना आरोपित कर रहे हैं। उनको भी समझाई कर रहे हैं कि स्कूल के बगल में आपकी दुकानें हैं, आप यहाँ भी इस तरह की चीज़ें न बेचें, अदरवाइज भविष्य में बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।